नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। 22 जनवरी के दिन का इंतजार सभी राम भक्तों को बड़े ही बेसब्री से है। पूरी दुनिया की नजर प्राण प्रतिष्ठा पर टिकी है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारियों का जायजा खुद बड़े ही बारीकियों से ले रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से राम भक्त वहां पहुंच रहे हैं, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते हैं और खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर में पूजा के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से कई तरह की सामग्री और उपहार भेजे जा रहे हैं। नेपाल अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी इन देशों में शामिल है। पाकिस्तान से राम मंदिर के लिए एक खास चीज आई है जिसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पाकिस्तान ने राम मंदिर के लिए ऐसी क्या खास चीज भेजी है जिसकी चर्चा चारों तरफ है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको पाकिस्तान से आए उस खास चीज के बारे में बताते हैं। आपको पता है कि पूजा के लिए कई सामग्री का इस्तेमाल होता है और ये सामग्रियां अलग अलग जगहों पर मिलती हैं। इसी कड़ी में राम मंदिर में पूजा के लिए जिस एक सामग्री का इस्तेमाल होना है वो दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है और उसका नाम है सेंधा नमक। सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत के साथ साथ पवित्र कामों और पूजा पाठ में भी किया जाता है। सेंधा नमक दुनिया के एक ही देश में होता है और वो पाकिस्तान ही है। इसलिए नमक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 50 के दशक में एक समझौता हुआ था जिससे पाकिस्तान से लगातार नमक भारत आता रहता है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से बिना इस नमक के त्योहार पूजा पाठ का काम नहीं किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान से चाहे कितना भी संबंध खराब हो, लेकिन समझौते की वजह से वहां से लगातार भारत नमक आता रहता है। वैसे सेंधा नमक को रॉक सॉल्ट, हिमालय पिंक सॉल्ट या फिर लाहौरी नमक भी कहा जाता है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम को देश विदेश से आए कई पकवानों का भोग भी लगाया जाएगा। इसमें बनारस से आए 151 पान, चंडीगढ़ से आए 125 क्विंटल शुद्ध देसी घी के लड्डू, आगरा का पेठा और जयपुर से घी शामिल है। भगवान राम को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग भी लगाया जाएगा जिसमें पाकिस्तान से आए लाहौरी नमक या फिर सेंधा नमक का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वो क्या खास चीज है जो पाकिस्तान से आई है और इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में कैसे होगा। चलिए वीडियो के आखिर में हम आपको अयोध्या नगरी की कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं, देखिए और भगवान राम के आगमन पर अयोध्या की नगरी कैसी सजी है और इसे कैसे सजाया संवारा गया है।